नमस्कार, मैं सविता सिंह, कुकिंग सभी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स चाट, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नूडल्स चाट बनाने के लिए मैं सबसे पहले हम नूडल्स को उबालेंगे। तो उसके लिए मैंने पानी को उबलने के लिए पहले से ही चढ़ा दिया था। पानी उबल गया है, उसमें अब हम 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल कोई सा भी डाल देंगे। अब नूडल्स को भी डाल देते हैं, पानी अच्छी तरह से उबल रहा है। तो नूडल्स को पकने में 5 से 6 मिनट लगेगा। नूडल्स को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। नूडल्स अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इन्हें हम छान लेते हैं। नूडल्स को मैंने छान लिया है और ठंडे पानी से खूब अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे एक तरफ रखते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। चाट के लिए पनीर फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच मैदे का पतला घोल बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, नमक स्वादानुसार, और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। आधा चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने मैदे का घोल बना लिया है। कढ़ाई में मैंने घी को गरम कर लिया है। अब पनीर को इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। अब ये पनीर हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसे हम अलग अलग कर लेंगे। अब नूडल्स के ऊपर हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इन सबको मिला लेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो गया, अब नूडल्स को फ्राई कर लेते हैं। अब ये नूडल्स बिल्कुल हो गए हैं, खूब क्रिस्पी करारे, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। ये नूडल्स हमारे फ्राई हो गए हैं, तो चलिए आगे हम एक अच्छी सी सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1.5 चम्मच के करीब ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल देंगे लगभग 1 चम्मच, अदरक डाल देंगे लगभग 1 चम्मच के करीब, हरी मिर्च डाल देंगे, 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब लहसुन अदरक हो गया है, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे, थोड़ा चला लेंगे, साथ में शिमला मिर्च डाल देंगे, आंच को बिल्कुल धीमे कर देंगे। अब प्याज भी हमारी हो गई है, इसमें हम 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच के करीब चिली टोमेटो सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 या 1.5 चम्मच। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पतला सा घोल बना लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। हल्का सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, अब ये सॉस हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। तो इसमें हम पनीर को डाल देते हैं। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को हल्का सा क्रश करके बोल में डाल देंगे। ऊपर से ये जो पनीर के साथ मैंने सॉस बनाया है, इसको भी डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी नूडल्स चाट। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगी और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ। तो फिर मिलते हैं।
एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।